हाय फ्रेंड्स, जब चैंपियन लाइन का रोड ट्वेलर पपी आप लोगों को इस प्राइस में मिल रहा हो तो भाई आप में से काफी लोग इसे परचेज करना चाहोगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ साथ आप लोगों को एक और बेनिफिट मिलेगा जिसके बारे में मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा, और वो चीज आप लोगों के लिए काफी स्पेशल है। और इस वीडियो में आप लोगों को रोड ट्वेलर ही नहीं बल्कि एक और डॉग ब्रीड देखने को मिलेगी जो है जर्मन शेफर्ड। तो दोनों ही काफी अच्छी गार्ड डॉग ब्रीड है, तो आप लोग जिसे चाहें उसे परचेज कर सकते हैं। बट मैटर करता है कि आप लोग छोटे पपीज को परचेज करना चाहते हो या फिर एक एडल्ट डॉग को, क्योंकि जो जर्मन शेफर्ड है वो 11 मंथ्स की एक फ्रेश फीमेल है जिसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इस रोड ट्वेलर के बारे में। वैसे दोस्तों, ये जो रोड ट्वेलर है ये भी एक फीमेल है और ये सिंगल ही अवेलेबल है, क्योंकि लीटर में सिर्फ एक ही पपी हुआ था जिसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। वैसे इस पपी के जो मदर फादर हैं वो दोनों ही केसीए रजिस्टर्ड हैं एंड फादर जो है वो चैंपियन है। वैसे फ्रेंड्स, ये जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इस पपी के मदर और फादर हैं। फादर फैंटेबलस क्वालिटी में है और मदर की क्वालिटी भी काफी शानदार है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये रॉटवेलर पपी केसीए रजिस्टर्ड है या फिर नहीं। देखो भाई, जब मैंने ओनर से डिस्कस किया इस बारे में तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसा कि लीटर में सिर्फ एक ही पपी हुआ है तो उन्होंने इसके पेपर्स अप्लाई नहीं किए हैं। तो अगर आप लोग चाहें तो इसके पेपर्स को अप्लाई कर सकते हो, ओनर को इस चीज में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो भाई, अगर इस रॉटवेलर के प्राइस वगैरह के बारे में बात करें तो ये फीमेल 45 डेज की हो चुकी है एंड ओनर ने जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो क्या 15,000 पीस यानी 15,000 रुपए। वैसे चैंपियन लाइन का पपी और आप लोग इसे केसीए रजिस्टर्ड भी करवा सकते हो, तो डील आप लोगों के लिए काफी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, अगर जर्मन शेफर्ड के बारे में बात करें तो ये जर्मन शेफर्ड एक फीमेल है और स्मूथ कोट में है। तो ये फीमेल उन लोगों के लिए ज्यादा बेस्ट है जो ब्रीडिंग का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इस फीमेल की फर्स्ट हीट मिस करा दिया है और काफी जल्दी ये सेकंड हीट पर भी आने वाली है, जिस टाइम आप लोग इसे क्रॉस कराकर इसका लीटर साइज ले सकते हो। वैसे उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने इसकी सभी वैक्सीनेशन कंप्लीट करा रखी है एंड कार्ड भी अवेलेबल है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि ये फीमेल वेल ट्रेंड है, उन्होंने इसको काफी अच्छे से ट्रेंड एंड सोशलाइज करा रखा है। तो ये फीमेल परचेज करने के बाद ना तो आप लोगों को इस पे कोई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही कोई एक्स्ट्रा खर्च। बाकी मेरी इन्फॉर्मेशन के अलावा आप लोग अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो डायरेक्ट डॉग ओनर से कॉन्टेक्ट करके उनसे डिस्कस कर सकते हो। ओनर कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो इस फीमेल की एज तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, ये 11 मंथ्स की हो चुकी है और इन दोनों की जो लोकेशन है वो है भिंड ग्वालियर उत्तर प्रदेश से। और फ्रेंड्स, ओनर आप लोगों को डिलीवरी भी प्रोवाइड करा देंगे जहाँ तक पॉसिबल हुआ, या फिर आप लोग डायरेक्ट जाकर भी इन्हें परचेज कर सकते हो। एंड भाई, फाइनली अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें तो गाइस, ये जर्मन शेफर्ड एक फीमेल है एंड स्मूथ कोट में है। तो ओनर जो इसके प्राइस की डिमांड की है वो की है 15,000 पीस यानी 15,000 रुपए। बट आई नो आप लोगों को थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा होगा, बट प्राइस जो है वो नेगोशिएबल है, तो आप लोग डॉग ओनर से बार्गेनिंग करके प्राइस और भी कम करवा सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूं आप लोगों से एक और न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। सो टेक केयर एंड बाय बाय।